नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से करते हैं, जहां बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा विपक्ष के विधायक विशेष राज्य के मुद्दे पर हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए और विपक्षी विधायक हाथों में पोस्टर लगाकर नारेबाजी करते रहे और स्पीकर ने विपक्षी विधायकों को चेतावनी भी दी। इसके बावजूद विपक्षी विधायक नहीं माने और विपक्षी विधायक रिपोर्टिंग टेबल उठाने की कोशिश करने लगे, जिस पर स्पीकर भड़क गए। स्पीकर ने आरजेडी विधायक मोहम्मद कामरान को टेबल उलटने की चुनौती दी और कहा कि अगर ऐसा किया तो बाहर करवा देंगे, सदन को हाईजैक करना चाहते हैं। तो विशेष राज्य का दर्जा ना देने पर विपक्षी भड़के नजर आए और जोरदार हंगामा किया। स्पीकर नंद किशोर यादव भी विपक्ष पर भड़के नजर आए, तो पहली बार इतने गुस्से में स्पीकर नजर आए हैं। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। उठाइए 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 हिम्मत है तो उठाइए 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 हिम्मत है तो हम फ्लट करते हैं, उठाइए ना उठाइए, बाहर कर देंगे आपको। आप उठा के देखिए, मजाक समझाए, अराजकता पैदा करना चाहते हैं आप। कोई अराजकता नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर बैठिए। कोई अगर टेबल उठेगा कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बहुत हो गया ये तमाशा, सदन विमर्श की जगह है। मैं आपको बोलने का अवसर देना चाहता हूँ, अपनी बात कही आप, मैं सुनूंगा, सरकार जवाब देगी, लेकिन पूरे सदन को हाईजैक करना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अराजकता पैदा करने की जगह नहीं है ये। तो बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि पहली बार जो स्पीकर है वो इतने गुस्से में नजर आए हैं। विशेष राज्य के मुद्दे पर ये जोरदार हंगामा हुआ है। विपक्ष पर स्पीकर नंद किशोर यादव जमकर भड़के और उन्होंने जोरदार गुस्सा किया है। पहली बार वो इतने गुस्से में नजर आए हैं। तो बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी हंगामा हुआ है और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए बिहार संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अशोक जी, बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और ऐसे में भी विधानसभा में जोरदार हंगामा हो रहा है, लगातार हंगामे की तस्वीरें, क्या कहेंगे? बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा किया। जैसी कि उम्मीद की जा रही थी कि आज चूंकि सत्र का अंतिम दिन है तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्नोत्तर काल में विपक्ष पूरी तरह से भाग लेगा और आज सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। आज चूंकि कल बिहार में विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी पटना पहुँच गए हैं, तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव विधानसभा पहुँचेंगे और उसके बाद आज सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे, लेकिन अभी तक तेजस्वी नहीं पहुंचे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि चूंकि विरोधी दल के जब नेता पहुंचेंगे तो विरोधी दल के जो सदस्य हैं उन सदस्यों की जो है भागीदारी वो काफ़ी बेहतर रहेगी और आज सरकार को घेरने का काम होगा। लेकिन आज सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो फिर विपक्षी सदस्यों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के सदन में इस पर बहस कराने की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सिरे से खारिज कर दिया और नंदकिशोर यादव ने कहा कि चूंकि शून्यकाल का समय है और या फिर बाद में हम इस पर समय देंगे, लेकिन विपक्षी सदस्य नहीं माने और वो जम करके हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे और उन्होंने प्रश्नकाल को बाधित करने की कोशिश की और उसके बाद वो बेल में आकर के भी हंगामा खड़ा करने लगे। तब नंदकिशोर यादव भड़क गए और पहली दफा नंदकिशोर यादव का ये तेवर उग्र था और उन्होंने कहा कि सदन में आपकी मनमानी नहीं चलेगी और जो भी लोग संसद के अनुरूप संसदीय अनुरूप कार्य नहीं करेंगे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार भी किया, उन्होंने कहा कि आप लोग किसी भी कीमत पर सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मार्शल को उन्होंने आदेश भी दिया कि जो विपक्षी सदस्य इस तरह का काम कर रहे हैं उनको सदन से बाहर निकालें। चूंकि विपक्षी सदस्य सदन में पोस्टर लहरा रहे थे और हंगामा भी कर रहे थे तो उन्होंने मार्शल को इसका निर्देश भी दिया। इससे साफ जाहिर है कि विपक्षी सदस्य आज सुबह से ही मन बना करके आए थे कि प्रश्नकाल किसी भी कीमत पर चलने नहीं देना। हालांकि
नंदकिशोर यादव ने बार बार आरजेडी के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी से कहा कि वो अपने सदस्यों को समझाएं और फिर शून्यकाल में हम के बाद हम फिर इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन विपक्षी सदस्य नहीं माने और अंत में हंगामा करने के साथ ही उन्होंने सदन से वॉकआउट किया। यानी कि विपक्षी सदस्यों की गैर मौजूदगी में ही सदन का प्रश्नकाल चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ हंगामा से ही जनता की समस्याओं का समाधान होगा, और इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों गंभीर नहीं है। एक तरफ जहां विपक्ष चाहता है कि किसी भी शर्त पर उसकी बात मानी जाए, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष चाहता है कि विपक्ष हंगामा न करें, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों के बीच टकराहट है और इसी का फल है कि विपक्षी सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया और उनकी अनुपस्थिति में ही अभी प्रश्नकाल चल रहा है। शिखा, बिल्कुल अशोक जी, और सत्र पे सत्र चलते हैं लेकिन जनता को उनके सवालों के एक भी जवाब नहीं मिलते। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।